चलिए गुड मॉर्निंग क्लास कल के क्लास में हम आपको कहां तक समझा दिए थे वो लोग हो गया ना सब लोग का बाकी जितने सर्वर पीस बाकी लोग को बाइक डाल देंगे लोग चलिए आगे आते हैं हम लोग सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू सब लोग को गुड मॉर्निंग प्रविंदर शर्मा जी सेल एंड इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दीजिए सर ठीक है हम आपको क्वेश्चन आंसर इसका प्रोवाइड करा देंगे मंडे के दिन ठीक है सैटरडे संडे के दिन टाइप करा के प्रोवाइड करा देंगे एक्चुअली फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि उसका प्रोवाइड कराने के लिए एक शेड्यूल बना रहता है जैसे पॉलिटी में भी ये भाग पाँच खत्म होगा तो उसका भी प्रोवाइड कराया जाएगा एक ही बारह से तो आप लोग को भी इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेल एंड स्केलेटन सिस्टम आपको समझा दिए थे सेल कंप्लीट हो गया था टाइप्स ऑफ सेल हो गए थे सेल डिवीजन बता दिए थे कि हम लोग में असूत्री नहीं होता है हम लोग में समसूत्री होता है लेकिन जनन के समय अर्धसूत्री होता है कंप्लीट यहाँ तक बता दिए थे डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है कौन सा बेस पाया जाता है कौन सा सुगर यानी डाईऑक्सीगर शुगर पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं थाइमीन होते हैं ये सारी चीज़ें बता दिए थे और हम कल कल कौन सा चैप्टर खत्म किए थे हम लोग हड्डी वाला हाँ स्केलेटन खत्म कर दिए थे और ज्वाइंट्स को खत्म कर दिए थे चलिए अब ध्यान से आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को देखिए भाई जब कभी भी ऐप में कोई टेक्निकल इशू आता है ना तो आप ऐप को वापस चले जाइए कीजिए मतलब बंद कर दिया कीजिए फिर खोलिएगा तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है होता क्या है कि जैसे जैसे नौ बजता है ना नौ बजे से ये क्लास है नौ जैसे बजेगा अचानक धरता तो लड़के आने लगते तो कोई भी चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है तो खुद से थोड़ा सीखिए आप लोग कब सीखेंगे अब हर चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन होगी ऑफलाइन की उम्मीद बहुत कम कीजिए दो तीन रीजन है बाबू आपको जितने लोगों को लग रहा है कोरोना खत्म हुआ ना जिस दिन मरेगा लोग समझ में आएगा मेरा खुद का एक फ्रेंड मतलब क्या बताएं हम उसका पिछले साल उसकी शादी हुई थी उसका डेथ हो गया कोरोना से इसलिए हल्का में मत लीजिएगा वो भी बहुत हल्का में ले रहा था हमको फोन किया है भाई कोरोना हो गया कोई दिक्कत नहीं हम भी बहुत खुश थे कि चलो भैया इसको तो कोरोना हो गया अच्छा है अच्छा है लेकिन मैं ये आठ दिन तक वो नॉर्मल था नौवें दिन से उसका सांस फूलने लगा और नौ दस ग्यारह बारह बारहवें दिन देथ कर गया यार। इसलिए बहुत रिस्की चीज है और कोचिंग को गवर्नमेंट बहुत कम खुलने देगी रीजन क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग वाले बहुत कम टैक्स देते हैं और ऑनलाइन में तो कहीं से टैक्स टे चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है <laughs> गवर्नमेंट ऊपर से काट के भेज देती है हम लोग के पास मतलब भेजती है काट के आप आज फीस देंगे ना तो कल देगी वो गवर्नमेंट परसों दो दिन बाद गवर्नमेंट देती है पहले पेमेंट बैंक वाला काट लेगा अपना गवर्नमेंट काट लेगी अपना फिर हमको देगी तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ऑफलाइन को ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है और रीज़न भी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना है और आप उसके पास पांच से सात मिनट बैठिएगा ना तो चांसेज कम है कि कोरोना आपको भी होगा पंद्रह मिनट अगर उसके साथ गुजार देंगे ना तो कोरोना हो जाएगा अब क्लास तो आपकी लगभग एक घंटे की चलती है उसमें इससे भीड़ रहती है अगर एक को भी हुआ तो फिर पूरे क्लास को फैलाएगा में ठीक है आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कोई फालतू कमेंट नहीं ना कर रहा है कृपया खान सर क्वालिटी वाला ऑप्शन दें क्वालिटी कितना पे दे रहे हैं यहाँ से 360 पे दिया जा रहा है बाबू अब इससे 360 सौ साठ इससे कम देंगे तो फिर फिगर फी, फटने लगेगा 360 पी पे दे रहे हैं बाबू इससे ऊपर 480 होता है उसके ऊपर 720 होता है उसके ऊपर एक होता है भाई यहाँ से घटा के यहाँ ला रहे हैं अब इससे कम क्वालिटी क्या देंगे फटने लगेगा ना इमेज आगे देखिए आज हम लोग को चलना है डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी हो गए ना आप लोग मूड फ्रेश पढ़ने के लिए स्टार्ट किया जाए मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस तरह हड्डी को हमने यूं खत्म किया उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को यू खत्म करेंगे एकदम फटाफट सब लोग रेडी होइए आप दरोगा बीपीएससी किसी चीज के एग्जाम में आएंगे साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है चलिए आज हम लोग को तो फिजिक्स भी पढ़ना है कितने बजे फिजिक्स का बैच साढ़े चार कि चार बजे चार बजे देख लेंगे हम लोग नोटिफिकेशन देख के आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा आज हम पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम <coughs> डाइजेस्टिव सिस्टम चलो बबू डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र हिंदी में क्या कहते हैं पाचन तंत्र इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले साथ में समझे इंग्लिश हिंदी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र पाचन तंत्र होता क्या है तो पाचन यानी डाइजेस्ट डाइजेशन का मतलब होता है बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना तो किसी बड़े जटिल यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना वो क्या कहलाता है डाइजेशन जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है मेनली कह प्रोटीन होगा विटामिन होगा फल में विटामिन होते हैं ये सारी चीज़ें खाते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में लास्ट में एकदम जूस बना देना क्या कहलाता है डाइजेशन कहलाता है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाएगा डाइजेशन कहलाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं डाइजेशन को किसी को कोई दिक्कत नहीं परिभाषा में परिभाषा थोड़ी पूछेगा बच्चा भी जानता है डाइजेशन मतलब होता क्या समझ में आ कि नहीं का इतना कमेंट्स किस चीज़ के आ रहे हैं सर आप लोग ध्यान दीजिए ना दस में कमेंट ज्यादा आने लगते हैं तो फिर आदमी चार दिन हो गया सर वह बेवकूफ कहीं का चार दिन हो गया कह रहा है कि सर दरोगा वाला नहीं खुल रहा है बेवकूफ कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना तो वो आपके डाउनलोड सेक्शन में चला जाता है या डॉक्यूमेंट सेक्शन में चला जाता है मोबाइल चलाने नहीं आता है तो हम क्या यहां से सिखाएंगे आपको मोबाइल चलाना यहाँ पे चार दिन हो गया इनका पीडीएफ नहीं खुल रहा है कहीं भी आप किसी दूसरे मोबाइल कोई लड़का मोबाइल चलाने जानता है उसको सिखाइए नहीं तो कमेंट मत कीजिए हम लोग को जो पीडीएफ देना था दे दिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा बिहार दरोगा वाला ना हम लोग सबसे बड़ा गलती कर दिए ग्यारह रुपया में बैच देखे इतना ना भीड़ हो गया इतना भीड़ हो गया जिसको मतलब बता रहे खाना खाने को ढंग नहीं हुआ एडमिशन ले लिया ग्यारह रुपये में कभी नहीं लाया जाएगा इसके बाद एक मतलब परेशान करके रख दिया सब खुद से सोचना चाहिए कि सर से पूछोगे कि सर डाउनलोड कैसे होगा एप्लीकेशन है दस मिनट चलाना सीखो अपने से हो जाएगा कोई गड़बड़ थोड़ी होगा वाला कुछ नहीं समझ में तो इंस्टॉल मारो फिर तुम्हारी आईडी से दोबारा खुल जाएगा दूसरे की आईडी से नहीं खुलेगी और गलती से अपने आईडी पासवर्ड किसी दोस्त को मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ से हमने सेटिंग कर दिया है कि एक बार अगर दूसरे मोबाइल में लॉग हो जाएगा फिर आपका वाला फिर कोई एक ही होगा अब अब अगर, अगर अपने दोस्त को दे दिया कि लो देख लो एक दिन एक दिन के लिए हमेशा के लिए उसी का हो गया अब ये अप्लीकेशन समझिए आपकी पत्नी की तरह हो गया है दूसरे को इस्तेमाल करिए मत दीजिएगा खराब कर देगा फिर डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया पाचन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तीन चीजें काम करती है एक फिजिक्स काम करता है फिजिकल क्रिया काम करती है और एक केमिकल क्रिया काम करती है अब फिजिकल का मतलब आप ध्यान से समझिएगा फिजिकल का मतलब होता है मार धार करना कहते ना फिजिकल टॉर्चर मत करो मतलब ऐसे द... मार धार मत करो आ, केमिकल टॉर्चर मतलब एसिड अटैक मत करो तो दो तरह का होता है यहाँ पर फिजिकल और केमिकल फिजिकल चीज का मतलब होता है मार धार करना तो जो पाचन होता है उसमें फिजिकल भी चीज होती है और केमिकल भी चीज होती है आप यहाँ मार धार कैसे होता है देखिए सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं ना मार धार चालू दांत जो है ना आपका चालू करता है ल्या 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 ल्या। पूरा कूच देता है तो फिजिकल क्रिया यहाँ चालू है और उसी में लार से एकदम लभेड़ देते हैं मार पचहत्तर ता टाइप का लार लभेड़ लभेड़ देते हैं लार में अलग अलग टाइलिन होता है डाइस्टेज होता है लाइसोजाइम होता है म्यूगलिन होता है कई तरह होता है केमिकल की क्रिया फिर पेट में जाते हैं तो हाउड देता है पूरा पेट तो इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया काम करती है इसीलिए डाइजेशन को फिजियोकेमिकल कहते हैं यानी फिजिक्स भी है इसमें केमिस्ट्री भी है फिजिकल और केमिकल दोनों क्रिया है तो फिजियो केमिकल है भौतिक रासायनिक क्रिया है पाचन की क्रिया होती है आगे अब हम समझते हैं मेन चीज पाचन जो होता है डाइजेशन वो स्टार्ट कहां से होता है डाइजेशन डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका माउथ से डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है माउथ से होता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े जो ज्यादा फालतू फालतू कमेंट करेंगे ना उसको ब्लॉक मारिएगा कभी कमेंट ना कर पाए पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए शुरुआत के पांच मिनट तक बस जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो फालतू फालतू कमेंट नहीं अलाउ कीजिएगा देखिए ध्यान से आप लोग भी जिसको कमेंट से दिक्कत होता है फुल स्क्रीन करके देख लो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होगा तीत से तीत तीत मैंने कौन चीज होता है दांत यहां से स्टार्ट होता है दांत से अब कुछ कहेगा कि नहीं सर हाथ से होता है क्योंकि यहीं से तो रोटियां तोड़ते हैं भाई वहां रोटी को छोटा करते हो रोटी तोड़ते नहीं हो रोटी को क्या किया जाता है छोटा किया जाता है ताकि मुंह में अट सके जो आप हाथ से इसे रोटी नोचते हैं ना वो रोटी तोड़ नहीं रहे उसे छोटा कर रहे हैं अगर इतनी छोटी रोटी दे दे आपको इतना छोटा सा तो क्या आप उसे तोड़िएगा हापा घापाक से मार दीजिएगा मुंह में समझ गया कि नहीं तो उसको छोटा किया जाता है हाथ से ना कि उसे तोड़ा किया जाता है कि घपाक से मुंह में चल जाए घपाक से मतलब समझते है? इजिली मतलब अगर घोट जाएंगे तो उसको घपाक से बोला जाता है आगे देखिए दांत में तो दांत से दो तीन चीजें क्वेश्चन आती हैं दांत के दो परत सबको याद रहता है पहला होता है बाहर वाला डेंटा वो इनामेल दूसरा होता है डेंटाइन तो दांत के कितने परतें हो गए भैया दो परत हो गए अब हम इन दोनों परतों को देखते हैं लेकिन एक बार एग्ज़ाम में क्या पूछा था यही आपके रेलवे वाले भाई साहब के एग्ज़ाम में था दूसरे दो क्वेश्चन पूछ दिए थे दांत से ये देखिए ये जो दांत देख रहे हैं इसमें कई परतें होती हैं दांत में तो दांत का ये जो बाहरी परत है ना ये सबसे ये देखिए यहाँ से एक दूसरा परत चालू हो गया तो ये वाला जो ऊपरी परत है ना इसको हम लोग कहते हैं इनामेल क्या कहेंगे इनामेल तो दांत का सबसे पहला परत क्या हो गया इनामेल हो गया अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कहेगा तब कहेगा जबड़ा कहेगा पूरे शरीर का सबसे कठोर यानी सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा है वो बोन की बात नहीं कहेगा तो ये इनामेल होगा दांतों की परत इनामेल तो समझ में आ गया ये हड्डी नहीं है ये कहेगा शरीर का यानी पूरे बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा क्या दांत है आप तो सोचिए ना दांत से कितने चीजों को बकोटते हैं जब से पैदा हुए हैं रहे हैं इसे आज तक घिसबे नहीं किया मिठाई खाए होंगे क्या क्या खाए होंगे बचपन में आदमी लेकिन कौन पूछ रहे लाल में कौन से मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बबूआई हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं पहले कंप्लीट कर लेना बबुआ लार में कौन इंजैम पाया जाता है तो मतलब पागल मत किया कर बाबू दांत पढ़ा रहे हैं दांत पे रहो लार में बोलेगा टाइलिन इंजाइम पाया जाता है पता है तुम लोग इतने पढ़े होगे लार में चार तरह का इंजाइम पाया जाता है फेल होकर चलाओगे एग्जाम में यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है डाइस्टेज पाया जाता है म्यूलिन पाया जाता है लाइसो जाइम पाया जाता है पागल हो क्या अभी कोई पूछेगा पेट में क्या पाया जाता बेवकूफ कहीं का मुंह में तो पहुंचने दे दांत से आपको सबको कहते हैं शांति से पढ़िए ज्यादा इधर उधर रहेंगे ना फेल होकर चल जाएंगे आप जितनी जितनी आपकी औकात है ना सवाल पूछने की हम वहां से सवाल बताना चालू करते हैं आप एक चीज़ का आप यही सुनना चाहते होंगे टाइलिन और जन्ते जो पूछ रहा है ना उसको पता होगा टाइलिन और उसको बता रहे हैं क्या है लूसेंट में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में <laughs> अरे हम लड़कों को ऑफलाइन पढ़ा के कितना लाख लड़कों को पढ़ा दिए सब जानते हैं इन सब की मेंटली जो तनिशा जान जाता है बड़ी कूदता है तो देखो भाव एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पहले यहाँ समझते रहिए दांत टॉपिक है तो दांत समझिए जब लार पढ़ाएंगे ना लार ग्रंथी तब लार का पूछेगा उस समय पूछेंगे कि सर जी बवासीर कैसे हो जाता है बकलोल कहीं का आगे देखो इनामेल हो गया ये दांतों की सबसे बाहरी परत होती है लेकिन इस दांत के अंदर एक कमज़ोर परत भी होती है उस कमज़ोर परत का नाम होता है डेंटाइन ये इसके अंदर वाली ये जो कमज़ोर परत देख रहे हैं ये हो गई आपकी डेंटाइन हो गई ये उतनी मजबूत नहीं होती है डेंटाइन ज़्यादा मजबूत नहीं हो गया तो इनामेल मजबूत होता है लेकिन अगर दांत घिस दीजिएगा ना तो इनामेल जो होता है मतलब कमजोर होने लगता है अगर आपका इनामिल कट गया ना तो डेंटाइन को कटने में कोई टाइम नहीं लगता है तो बताइए दांत का दूसरा परत कौन हो गया डेंटाइन डेंटाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में डेंटाइन कहते हैं दांत से रिलेटेड क्वेश्चन बस पूछना है अब उसके अंदर ना डेंटाइन के अंदर दांत का एक अलग टाइप का मांस होता है जो स्पेशली दांत के लिए ही बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लोग ये देखिए चैम्बर ये दांतों का क्या हो गया चैंबर हो गया ये दांतों का एक तरह का कह दीजिए तो मांस है दांत का चैंबर हो गया समझ में आ आ गया आ गया कि नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दांतों का सबसे बड़ा एरिया क्या होता है तो सबसे छोटा एरिया होता है इनामेल 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 के अंदर क्या होता है डेंटाइन और उसके अंदर क्या होता है चैंबर होता है ठीक है चैंबर लेकिन ये रेयर आपका एग्जाम में पूछता है ये आपका कभी कभी इंजीनियरिंग जैसे नहीं होते जिसमें मेडिकल का एग्जाम उस मैं पूछ देता है अगला भाग क्या होता है चैम्बर लेकिन आप याद रखेंगे कि सबसे मजबूत हो गया इनामिल उसके अंदर हो गया डेंटाइन अब यहां दांत में दो तरह की बीमारी होती है एक बीमारी कल बताए थे हम आप लोग को गुहा क्या होता है याद कीजिए कल हम आपको गुहा के बारे में बताए तो थे हटा देते हैं दांत वाला चीज इसका तो काम हो गया गुहा मतलब होता है खाली जगह गुहा मतलब खाली जैसे मुंह में खाली जगह है तो इसे क्या कहेंगे मुख गुहा पेट में खाली जगह है तो उधर गुहा कहते हैं अब यहाँ पे दांत में कभी कभी अगर आप फ्लोरीन फ्लोरीन समझते हैं ना फ्लोरीन एक तत्व होता तो है फ्लोरीन फ्लोरीन क्या होता है एफ ही की एफ एफ इसी से तो लोहा हो जाएगा एफ फ्लोरीन जब हो जाता है दांतों में तो दांत जो होता है ना दांतों का क्षरण होने लगता है डिस्ट्रॉय होने लगता है दांतों को क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है डिस्ट्रॉय यानी क्षय छय मतलब क्या होता है बर्बाद होना दांतों की बर्बादी किसके कारण होती है फ्लोरीन के कारण अब एक बात बताओ बाबू दांत जो है ये इस तरह से मान लीजिए दांत है किसी का दांत है ये अब इसमें अगर आप फ्लोरीन गैस की मात्रा ज्यादा आएगी तो ये धीरे-धीरे इसमें छेद होने लगेगा क्या होने लगेगा छेद होने लगेगा तो छेद से एक खाली जगह का निर्माण होगा तो खाली जगह को हम लोग कहते हैं कैविटी क्या कहते हैं कैविटी और देहात में लोग इसको कहते हैं खोड़ीला खोड़ीला समझा गया ये किस कलर का हो जाता है ब्लैक कलर का दांतों में क्या होता है कैविटी या खोड़िला हो जाता है तो जिसके दांत में खोड़ला हो जाएगा देखिएगा होटल में खाना खाएगा ना तो एक खोबनी रख देता है खाने के लिए खाना खाने के का खोदते रहता है फंस गया फंस गया, गया दुनिया भर का इधर उधर फंस जाता है तो वही होता है कैविटी और जिसका ऊपर फंस जाएगा ना तो आपसे बतियाते रहेगा अजीब से ऐसे खोदते रहेगा निकल रहे होता हाँ हाँ फिर चेक करेगा निकला कि नहीं निकला समझ में आ रहा है कि नहीं यार तो ये दांत हो गए सर दांत की बाहरी भाग समझ में आ गया आपको दांत का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है बाहरी परत होता है अंदर वाला परत डेंटाइन उसके अंदर क्या होता है चैम्बर होता है चैम्बर मतलब कमरा टाइप का हो गया फ्लोरीन इसको नुकसान करता है डिस्ट्रॉय यानी क्षय करता है फ्लोरीन कैविटी हो जाती है जिस कारण होता है अब दांतों की संख्या पर आते हैं कितनी कैटेगरी होती है बच्चों में कौन सा होता है और हम लोग में कितनी कैटेगरी होती है सर दांतों की इतना इतना समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं देखो भाई दांत जो होते हैं ना वो सीक्वेंस में होते हैं जो सीक्वेंस ऊपर है वही सीक्वेंस दांतों में नीचे होता है तो आप बताओ कि अगर हम किसी एक का पार्ट पढ़ लें यानी ऊपर वाला पढ़ लें या नीचे वाला पढ़ लें तो दोनों का हम एक ही पढ़ लेते हैं तो वह क्या करना है जैसे हाथ याद कीजिए ना आप याद कीजिए हाथ हम केवल हाथ एक बताएते हैं ह्यूमरस रेडियस अल्लाह कार्पल मेटा कार्पल फ्रेंजिज इसमें भी तो वही चीज़ है तो दो दो बार का लिए बोलेंगे लास्ट में केवल दो से गुड़ा कर देंगे नहीं समझे तो वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं ऊपर या नीचे कोई वाला एक तो हम लोग पढ़ लेते हैं बात बराबर हो जाएगा तो दाँत जो हैं उनमें देखिए ध्यान से सबसे पहला होता है आपका सामने जो दिखता है इंसीजर सामने जो है ये चार दांत इंसीजर सब लोग हाथ से रखे चार दांत ऐसा किसने होता है इंसीजर पहला जो हो गया ना चार दांत ये इंसीजर होते हैं सब लोग पकड़िए अपना अपना इंसीजर जिनके जिनके पास दांत है सब लोग इंसीजर पकड़िए आगे की चार दांतें क्योंकि एग्जाम में अगर कोई एग्जाम में जाके याद करके गया ना मारेंगे एकदम होश आ जाएगा उसका ऑफलाइन रहता है आपको ये गिन के याद रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना कि आदमी में कितने दांत होते हैं तो ये नहीं करिएगा ये ऊपर दो ऐसे किसी को नहीं दिखना है एग्जाम में आपको खुद से गिन के लिखना है याद करेंगे मेमोरी भर जाएगा सब ठीक ठाक है सब उसमें चलिए अभी केवल दांत पे रहना है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे तो ये क्या हो गया बाबू इनसीजर क्या हो गया इन सीजर हिंदी वाले बाबू इसको कतरनिक कहते हैं काटने के काम में आता है तो हिंदी मीडियम वाले इसको इंग्लिश में ही याद करिएगा क्या हो गया ये इन सीजर इनसीजर के बगल में होता है भयानक वाला दांत ये जानते हैं ये भूत वाले फिल्म में हीरोइन सब का यही वाला दतवा होता है ये निकाल देती हैं सर तब हीरो को समझ में आता है जिसको हम अपनी ज़िंदगी समझते थे उस ससुर चुड़ैल निकली तो ये इसको हम तो कहते हैं इसका नाम चुड़ैल दत्ता रहना चाहिए तो इसको लोग कहते हैं केनाइन केनाइन किसका बड़ा होता है ध्यान से समझो बाबू इसको क्या कहेंगे केनाइन केनाइन के वैसे जानवरों का केनाइन बड़ा होता है जो मांस खाते हैं यानी शेर बड़का बड़का दांत कुत्ता तो केनाइन फॉर कार्निभोरस कार् भोरस मतलब मांसाहारी और मांसाहारी कार्नी भोरस के लिए केनाइन होता है हम लोग में केनाइन ज्यादा बड़ा नहीं होता है बस हल्का सा साइज में डिफरेंस होता है लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं ससुरों में बहुत बड़ा केनाइन होता है शेर बाग में देखिएगा ना तो आप उसमें शेर का दांत देखेंगे तो आप उसमें उसका केनाइन अगर देखेंगे शेर का तो बहुत बड़ा हो जाता है रीजन क्या है क्योंकि वो मांसाहारी है तीथ ऑफ लाइन शेर को लाइने कहा जाता है ना यह देखिए आप इसका कैलाइन देख लिए देखिए दिख रहा ये ये किसका है ये इसमें केनाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको यह देख लीजिए ये, ये क्या है? ये है? के है आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत है यह क्या हो गया शेर हो गया यहाँ पे फोटो में बस देख लो भाई जियो रियल में देखोगे तो बर्बाद कर देगा आपको तो ये केनाइन हो गया पहला बताइए इंसीजर हम यहाँ सब लिखते जाते हैं पहला इन पहला क्या हो गया इन दूसरा केनाइन दूसरा केनाइन फटाफट बोलिएगा दूसरा हो गया केनाइन चलिए आप तीसरा देखते हैं तीसरे टाइप के दांत जो होता है प्री मोलर क्या होता है प्री मोलर दो होते हैं सही इधर प्री मोलर मतलब प्री मतलब होता है पहले प्री मतलब पहले तो ये हो गया प्री मोलर आगे बढ़े प्री प्री मोलर मतलब होता है किसी चीज के पहले यानी किसी में प्री लगा दिया ना तो जैसे हम कहें प्री खानसर तो प्री खानसर मतलब खानसर से पहले यानी हम हमसे हमारे छोटका भैया खानसर से, से पहले मतलब क्या हो गया प्री मतलब पहले तो प्री मोलर का मतलब हो गया मोलर से पहले यानी इसके बाद क्या आने वाला है मोलर सबसे पहले आपको इंसीजर केनाइन प्री मोलर अब इसके बाद क्या आने वाला है मोलर नाम से ही स्पष्ट है प्री मोलर तो कौन आएगा मोलर प्री मोलर के बाद कौन आएगा मोलर देखिए मोलर जो बड़का बड़का दांत होता है सर इसे सो जो गुटका खाने वाला आदमी होता है सर उन सब में भयानक भयानक होता है देखिएगा गुटका खाएगा सुनो इसे इतना बड़का इधर फूल जाएगा यहाँ पे समझा गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत अरे बाप रे ये हो गया ये मोलर क्या हो गया मोलर हो गया दांतों की कैटेगरी याद हो गई याद हो गया, गया कि नहीं फटाफट फटाफट फटा -फट, पता ही अगला पकड़िए खटाखट अगला ये क्या है अगला दांत ये ये है आपका प्री मोलर सॉरी इनसीजर ये है केनाइन इसके बाद जो दूर आएगा प्री मोलर और लास्ट का तीन गो मोलर लास्ट के तीन सेट मोलर याद हो गया फटाफट बबुआ ये बोलिए फटाफट बोलिए जहाँ उंगली रखे फटाफट क्या ये वेरी गुड इनसीजर बैक इंड वालों का सर्वर आज देखें आज ही फ्रंट इंड वालों का जवाब नहीं देंगे बैक इंड वालों का बैक इन सर्वर पे जितने लड़के ये वाला दांत ये वाला है आपका केनाइन ये वाला केनाइन और ये वाला मोलर से पहले आता प्री मोलर और ये वाला मोलर ये हो गया मोलर इसमें दो क्वेश्चन पूछता है बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है और फिर अलग अलग कैटेगरी पूछ देता है कौन दांत किस काम में आता है देखिए आगे धीरे धीरे समझते रहते हैं इसमें नाम तो हो गए आपके कितने कैटेगरी के, के दांत हो गए इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर ये कैटेगरी दांत हो गए दांतों की ये कैटेगरी हो गई अब इसमें देखिए ये जो आपका इंसीजर दिख रहा है ना ये ठीक नाक के नीचे पाया जाता है ये नाक जो होता है इसके ठीक नीचे ये चार दांत होते हैं इसलिए इसे नाक वाली दांत यानी अंग्रेजी में कहेंगे नोज तीत नाक जहां तक होता है वहीं तक ये पाया जाता है अब किसी का भोत्थर नाक है हत्ता बड़ा का समोसा बराबर तो सचुराओ में तो पूरा पूरा दत्वे वही में चल जाएगा भोत्थर नाक की बात नहीं कर रहे हैं खड़ा नाक की बात कर रहे हैं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है खड़ा नाक लड़की सब तो खड़ा नाक खूब अच्छा समझती होगी सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग के अभी नौकरी हो जाएगा मम्मी आपके लिए लड़की देखने जाएगी ना तो सब सबसे पहले देखेगी नाक खड़ा है कि नहीं अब पता नहीं नाक खड़ा बैठा क्या चीज़ होता है नहीं समझ में आता ये महिलाएं है जानती हैं सर हम तो बायोलॉजी पढ़ा के मास्टर हो के बायलॉजी के आज तक ना जाने खड़ा नाक कौन चीज होता है तो देखो ये हो गया इन ये नाक के नीचे पाया जाता है और ये जो केनाइन है ना ये आँख के नीचे पाया जाता है ठीक आँख के नीचे इसलिए इसे क्या कहा जाता है आई तिथ और ये प्री मोलर होता है ठीक गाल के अंदर पाया जाता है इसलिए इसे चीक तिथ कहते हैं चीक तिथ और जो मोलर होता है एकदम कोना में पाया जाता है और कहा जाता है जब बुद्धि खुलेगा ना तब ये निकलेगा तो बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं विजडम तिथ और हिंदी में कहेंगे अकल दांत अकल खुलने पर खुलने वाली दांत अकल दांत तो दांतों की कैटेगरी पहला इनसीजन प्रीमोल इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर पहला बोलिए था चार इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर सबसे बड़े दांत कौन होते हैं मोलर अब यहां समझिए जो बच्चा होता है ना बच्चा आप कभी भी बच्चा को देखिएगा इसमें प्री मोलर नहीं होता है जबकि आपके एग्जाम में क्या दे देता है कि मोलर नहीं होता है गलत बात है कोई भी बच्चे होते हैं ना बच्चे तीथ... उसमें देखिएगा आप में प्री मोलर नहीं होगा बेबी जो बच्चा का दांत होता है ना उसमें प्री मोलर नहीं देखने को मिलेगा आपको जो इसका देखे ये तो बहुत ही छोटा है मिठाई खा के खत्म कर ले छोटका पचवा जो होता है सर ना इसमें प्री मोलर नहीं रहता है और मोलर भी नहीं रहता है प्री मोलर और मोलर दोनों नहीं रहता है एग्जाम में क्या मारिएगा इसमें कौन बढ़िया दांत वाला है दांत बढ़िया इसमें किसी का नहीं इसी को ले आते हैं छोटुआ को ये तो लड़की लग रही है ये देखो जो लड़के होते हैं ना छोटे बच्चे इनका शुरुआत का दांत यहाँ से यहाँ तक निकलेगा शुरुआत में दांत निकलेगा और फिर थोड़ा सा ना गैप हो जाता है फिर इधर से निकलता है आप देखिएगा छोटे बच्चों में तो शुरुआत में ये चार केनाइन तक निकलेगा लेकिन प्री मोलर नहीं निकलता है छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं निकलता है तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होइएगा छोटे बच्चों में इंसीजर होता है केनाइन होता है आप प्री मोलर नहीं होता है क्या नहीं होता है प्री मोलर और कौन कौन नहीं होता है थर्ड मोलर तो बच्चों में दो कैटेगरी के, के दांत नहीं होते हैं ध्यान से समझिएगा इंसीजर होता है केनाइन होता है प्रीमोलर साफ ही नहीं होता है और मोलर में पहला मोलर दूसरा मोलर तीसरा मोलर तीन तीन गो मोलर है सब यहां पर अब प्रीमोलर दो गो है एक दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अगर बात करेगा कि कौन सी दांत नहीं होती है तो नहीं अगर कह देगा साफ कौन सा नहीं होता है तो प्री मोलर साफ होता ही नहीं है और कहेगा कि मोलर में से होता है कि नहीं तो भैया मोलर होता है पहला मोलर होता है दूसरा मोलर होता है लेकिन तीसरा मोलर नहीं होता है और प्री मोलर तो एक को नहीं होता है तो आप बताओ भैया आप अगर आंसर देते हो कि मोलर नहीं होता है तो गलत नहीं है मोलर तो होता ही है पहला मोलर होता है है दूसरा मोलर होता है तीसरा मोलर नहीं होता है अब प्री मोलर में ना पहला होता है ना दूसरा होता है तो छोटे बच्चों में प्री मोलर साफ नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है और थर्ड मोलर भैया जितने आप लोग हैं ना इसमें से 50 परसेंट लड़कों का थर्ड मोलर दांत नहीं निकला होगा ये चहुआ बोलते हैं ये 24 साल के एज में निकलता है अमूमन 24 के निकलता है कई को का तो कब्बो नहीं निकलता है अब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे तो मेरा उसी टाइम निकल गया था चौदह या पंद्रह साल के ऊपर हमारा एग्जाम दे रहे थे इतना दर्द करता है जब ये निकलता है तो मतलब इतना बड़ा दांत फाड़ के निकलता है सोचिए कितना दर्द करेगा तो किसी किसी का पहले निकल जाता है किसी किसी का बाद में निकल जाता है हम डॉक्टर के आज गए तो डॉक्टर खुद कंफ्यूज हो गया था अरे मैट्रिक के लड़का को दाढ़ियों मोच नहीं रहता है। और उसका प्री मो, पूरा मोलर निकल गया तो बच्चा में कंफ्यूज नहीं होइएगा ये थर्ड मोलर को हम लोग क्या कहते हैं विजडम टीथ कहेगा कि विजडम टीथ किसे कहा जाता है विजडम मतलब क्या होता है बुद्धि वाला विजडम टीथ किसे कहा जाएगा तो थर्ड मोलर को किसको थर्ड मोलर सारे दांतों को नहीं कहेंगे जो तीसरा है उसे क्या कहेंगे थर्ड मोलर को विजडम तिथ कहा जाता है जानवर देखिए शाकाहारी जानवरों में कौन ज्यादा पाया जाता है इंसीजर मांसाहारी में प्री मोलर सॉरी ये कैनाइन बच्चों में नहीं पाया जाएगा तो प्री मोलर और कौन नहीं पाया जाएगा थर्ड मोलर आप लोग में अभी कौन सा नहीं है तो थर्ड मोलर अकल दांत किसे कहते हैं थर्ड मोलर को ये बहुत बाद में निकलता है इतना समझ में आ गया आप डेंटाइन की फॉर्मूला समझते हैं अब दांत का फॉर्मूला होता है एक इक्कीस तेईस बटा इक्कीस तेईस ये क्या चीज़ होते हैं समझ में आ गया अकल दांत वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं है दांत का फोटो भेज रहा है सब बफरिंग कर रहा है आपका नेट का एरिया कम होगा <laughs> डोनाल्ड ट्रंप एक देखो इसमें डोनाल्ड ट्रंप कर प्रणाम सर हम भी लाइव हुए हैं मतलब तुमको मजाक करने के लिए खान सर मिले हैं <laughs> क्या बाबू आप भी कैविटी फ्लोरीन की कमी से होती है या फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरीन के वजह से हो जाती है फ्लोरीन ज्यादा अगर यूज करिएगा ना तो हो जाएगा मतलब उसकी अधिकता से अगला देखिए एन का सर जूलॉजी का पी डी एफ इंग्लिस में प्रोवाइड कर दीजिए इंग्लिश का बाबू जूलॉजी का पी डी एफ इंग्लिश ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा हम ट्रांसलेट वाले को दे दिए हैं आप पता है आपको बिहार में इंग्लिश कितना तगड़ा रहता है इसका ट्रांसलेट <laughs> कर रहा है फिर आपको लास्ट में दे सकते हैं ऐसे समझाने के लिए हम दोनों भाषा में समझा देंगे प्रॉब्लम है बाबू हमको नहीं पता था कि इतने लड़के आ जाएंगे कसम से बताते हैं कि कभी विश्वास नहीं किए थे ना मतलब पटना में तो हम सबसे बड़ा बैच पढ़ाते ही थे दिन भर में बीस से इक्कीस हजार लड़के आते थे एक बार में ढाई हजार लड़के पढ़ते थे जो हॉल था और यहां पर हम कभी देखते हैं ना तो यहाँ फ्रंट इंड सर्वर पर लगभग मेरा पाँच हजार के आसपास लड़के हैं सर फ्रंट इंड पर जबकि फ्रंट इंड सर्वर बहुत ही कमजोर होता है मतलब ना बराबर होता है फ्रंट इंड सर्वर और बाइक इंड पर सबसे ज्यादा हम तो कभी सोचे नहीं थे इसलिए हमको लगा कि थोड़ा ही बहुत लड़के आएंगे अचानक चलाया आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दे दिया अगला देखिए आगे आप पढ़ाते हैं हाथी वाला दांत वेरी गुड वेरी गुड हाथी वाला दांत अभी बताएंगे बाबू हाथी वाला भी दांत बताएंगे चोंच भी बताएंगे पक्षियों का चोंच वगैरह वेरी गुड कोई बात नहीं नहीं बाबू आप टेंशन लिए आगे समझाते हैं अब हम समझते हैं दांत का फॉर्मूला हाथी का दांत देखो भाई सब लोगों को कंफ्यूजन होता होगा सब लोग को वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन पूछा हालांकि इसको हम बाद में बताते हैं आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है आप कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा लोगों को लगता है कि हाथी का जो बहरवा निकला हुआ टस्क है हाथी का जो टस्क होता है एलिफेंट यहां पे लिख देते हैं एलिफेंट तो वो लोगों को लगता है कि केनाइन होगा क्या होगा केनाइन एलिफेंट अरे आजा ये अब आप बताइए बाहू ये हाथी का जो दांत है ये बहुत से लोगों को लगता है कि केनाइन होगा सर ये वाला दांत केनाइन भाई दो चीजें ध्यान से समझिए ये वाली जो दांत है हाथी की अब बताओ हम आपको पहले बताए हैं कल्पना करो कि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता और खान सर भी आपको नहीं बताए और एग्जाम हॉल में आप क्या मारेंगे हम आपको बताएं ना बाबू कि ये मांसाहारी जीवों में होता है किस में होता है मांसाहारी जीव में जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है ये वाला चीज बड़ा होता है मांसाहारी जीव में अब हाथी मांसाहारी थोड़ी है कि जो उसमें केनाइन बड़ा होगा हाथी तो शाकाहारी है तो हाथी का जो इंसीजर होता है इसी इंसीजर में से जो इस साइड और इस साइड के लास्ट इंसीजर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो हाथी का ये जो टस्क होता है टस्क मतलब समझते हैं ना ये वाली दांत टस्क है, ये ये केनाइन नहीं होती है केनाइन केवल मांसाहारी जीवों में होता है हाथी की ये वाली दांत इंसीजर होती है और हाथी इस दांत से खाती नहीं है क्योंकि हाथी के पास भी दांत का सीक्वेंस इस तरह होता है उसमें केवल एक चीज़ ये हो जाता है कि उसका ये वाला इंसीजर बाहर, बाहर निकल जाता है और इधर वाला इंसीजर बाहर निकल जाता है बाकी इस दांत से खाती है तो कहावत कहा जाता है हाथी के दांत दिखाने के लिए कोई और है और खाने के लिए कोई और है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को कोई दिक्कत है तो ये हाथी के दांत है जो दिखते हैं इससे वो खाती नहीं है हमला करती है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका डबल फेस होते हैं ससुरे दिखते कुछ और है करते कुछ और है उसी को कहा जाता है हाथी का दांत दिखाने का और और खाने का और ये क्या होता है इन सीजर हाथी के दांत इनसीजर कोई केनाइन नहीं मारेगा और अगर हम ये क्वेश्चन नहीं बताते तो क्या करते आप दिमाग लगाते कि भाई जो हाथी है वो तो शाकाहारी है अगला अब दांत का फॉर्मूला निकालते हैं कि डेंटाइन फार्मूला क्या होता है तो आपको हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और आप उस झूठ को मान भी गए इसीलिए टीचर जो बोलता है ना उसको लोग मान जाते हैं हम आपको झूठ ये बोले कि दांतों का जो सीक्वेंस होता है जो ऊपर होता है वही नीचे होता है बाबू ये आधा सच है दांतों के में चार सीक्वेंस होते हैं देखो जरा ध्यान से देखना भाई ये जरा देखिए जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है है कि नहीं देखिए हम आपको कितना सीक्वेंस बताए थे दो जो ऊपर है और नीचे है लेकिन ये गलत बात था हम आपको समझने के लिए वो झूठ बोले थे हाथ दांतों में चार सीक्वेंस होता है देखो यहां से हमने काट दिया इसे ये काट दिए ना जो सीक्वेंस इधर है वही सीक्वेंस इधर है इसका मतलब हम केवल ये वाला सीक्वेंस पढ़ ले ये वाला सीक्वेंस अचार का गुड़ा कर देंगे पूरा दांत हो जाएगा नहीं हो जाएगा अरे जा ऊपरा वाला में एनने वाला जितना उतने एनने वाला में आ ऊपरा वाला में जितना एनने उतने नीचे वाला में एनने उतने एनने तो चार गो पढ़ले बिना का जरूरत है एक गो पढ़ के चार का गुड़ा ना कर दो तो यही होगा डेंटाइन फार्मूला निकालिए कैसे डेंटाइन फार्मूला निकालिए देखिए हम केवल एक और का लिख देते हैं लिखते हैं यहाँ पर बताइए पहले आएगा इन्सीजर फिर आएगा केनाइन फिर आएगा प्री मोलर फिर आएगा मोलर यही ना आएगा अरे यही आएगा बाबू बताइए एक साइड में इंसीजर कह गो गिन के हाथ से बीच बीच में उंगली रखें एक साइड में इंसीजर दो गो एक साइड में के नाइन एगो प्री मोलर दो मोलर तीन गो हो गया हो गया और यही दातवा तो नीचे भी है यही सीक्वेंस वहाँ नीचे भी है तो नीचे में भी एक साइड में दो गो इंसीजर एगो के नाइन दो गो प्री मोलर तीन गो ये हो गया काम खत्म नहीं समझे कह देगा बचवा ये तो हम लोग का दांत हो गया छोटका बचवा का तो आप बताओ बाबू छोटका बचवा का हम नहीं बोलेंगे आप याद अगर आपको याद है तो नहीं बोलिएगा आप सोच के बोलिएगा छोटका बचवा में ये होता है ये होता है ये दोनों नहीं होता है ये एगो नहीं होता है यानी छोटका बचवा में ये तो साफ ही नहीं होता है ये थर्ड वाला भी नहीं होता है फॉर्मूला बना के लिखिए हम बैक इन फ्रंट इन दोनों को देखते हैं फटाफट लिखिए अबू सुजान जी आपका सही है दीपक जी आपका भी सही है उत्तम कुमार आपका भी सही है रॉबिन चंद्र वर्मा पॉलिटी का पी ले भाई <laughs> पॉलिटी का पी डाला पॉलिटी का पी जा चुका है ना जा चुका है देख लीजिएगा पॉलिटी का बैच नहीं है ना बाबू चलिए बहुत अच्छा लोगों का है छोटे बच्चों का भी सही है अरे भाई छोटे बच्चे में गलत कर दिए आदमी सोलह को दांत करा सोलह अभी संख्या बाद में बताएंगे कि जीवन काल में व्यक्ति के पचास दांत निकलते हैं बावन दांत बत्तीस दांत होते हैं बीस दांते टूथ के निकल जाते हैं तो बत्तीस और बीस बावन हो जाते हैं अभी इस लास्ट में बताएंगे अब देखो बाबू यहां समझो जो व्यक्ति या जो टीचर ये कहते थे या जो एग्जाम में ये आंसर देते थे कि बच्चों में केवल ये मोलर नहीं पाया जाता है उनके आंसर और उनके कंसेप्ट को समझो देखो हम आपको क्या बताएं बच्चों में इंसीजर होता है तो दो ठो यहां इंसीजर इंसीजर लिखेंगे केनाइन होता है हम तो साफ बोल दिए थे पहले ही कि बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं है तो यहाँ जीरो बोल देंगे और हम लोगों में ये तीनों मोलर होता है तीनों चवर इसको क्या कहते हैं चवरणक चबाने का चवर्णक इंग्लिश में याद रखना भाई चवर्णक अग्र चवर्णक क्रंतक रदनक हिंदी हो जाता है तो ये तो बचवा में का दूसरा पाया ही जाएगा तीसरा ना नहीं पाएगा ये हो गया आपका हो गया कि नहीं हो गया आंसर कितने लोग का सही था ये? वेरी गुड बहुत से लोगों का सही था अच्छा नीचे वो क्या हो जाएगा यही हो जाएगा ये दो ठो पाया जाएगा इंसीजर के नाइन एक ठो प्री मोलर होगा ही नहीं अब मोलर में से केवल थर्ड मोलर नहीं होगा तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया ना कि बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है बच्चों में नहीं पाया जाता है प्री मोलर कौन सा कम पाया जाता है तो हम लोग में ये तीन पाया जाता है इसमें दुए को पाया जाता है हम लोग में प्री मोलर दो को पाया जाता है यहाँ तो पाया ही नहीं जाता है तो ये हो गया डेंटाइन फॉर्मूला निकाल लीजिएगा याद रखिएगा नहीं हम रियल बताते हैं हमको भी याद नहीं है हमसे भी कोई पूछता है तो हम कहते रुक गिन लेते हैं दो एक दो तीन हो गया दो एक दो तीन अब इसको याद करेगा से कई तेईस बटा कई तेईस भुला जाएगा लोग हो गया आगे बढ़े अब दांतों की संख्या देख लेते हैं इक्कीस तेईस बताए इक्कीस तेईस सब लोग को याद था पॉलिटी का बैच बाय नहीं हो रहा है पॉलिटी का एडमिशन डेट खत्म सर्वर भर गया आगे रजिस्ट्रेशन कब से होगा पॉलिटी एंड ग्लोब के लिए ग्लोब का एडमिशन चालू है पॉलिटी का एडमिशन भर गया आगे देखिए होमोडोंट बाईफ ये अभी बताएंगे बाबू अभी हम बोले ना कि एक दांत बीस दांत टूट जाते हैं और ऐसे बत्तीस दांत होते हैं जो नहीं टूटते ये सब चीज़ें अभी बताएंगे अभी ये सीक्वेंस समझ जाइए अच्छी बात है आपको जानकारी है विकास राव जी कितनी बार बोले आपको पॉलिटी में एडमिशन भर गया है सर पॉलिटी के चक्कर में हमारा यूट्यूब प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हट गया था वहाँ दो लाख लड़के थे सब बैक एंड पर हमने ढाई किया था गूगल को बताया नहीं तो हटा दिया था अब सोए हैं आप पॉलिटी का बैच का एडमिशन नहीं होगा अब एडमिशन चालू कर दिए भैया हम भी चालू कर देते हमको क्या पैसा काट रहा है लेकिन कैपेसिटी नहीं है हमारे यहाँ उतना अगला देखते हैं हो गया आगे चलिए इतना बच्चों को समझ में आ गया हाथी का बाहर निकला वाला इंसीजर मांसाहारी में केनाइन विजडम तिथ किसे कहते हैं अकल दांत को 24 साल की एज में आता है किसी किसी का कभी नहीं आता हमारा मैट्रिक में आ गया था बच्चों में कौन नहीं पाया जाता है प्री मोलर नहीं पाया जाता है आगे देखो भाई देखिए हमारे जो बड़े हो जाते हैं उनमें कितने दांत होते हैं बत्तीस दांत होते हैं कितने दांत होते हैं बत्तीस दांत होते हैं अब जो दांत दांत होते हैं हैं इस 32 में से 12 ऐसे हैं जो कभी टूटकर दोबारा नहीं निकलेंगे तो वो एक ही बार निकल सकते हैं बारह ऐसे दांत हैं जो एक ही बार निकलते हैं तो एक बार को क्या कहते हैं मोनोफियोड मोनो मतलब एक बार मोनो मतलब एक बार जो जो एक ही बार निकलेंगे उन्हें क्या कहेंगे मोनो कहेंगे अब जरा देखो बाबू यहां लो कहाँ गया वो दांत वगैरह कहाँ गया सर अच्छा इसी में है सर ना यहाँ देखिए तो ये मोलर जो है ना मोलर इसको चहुआ कहते हैं तीन इस साइड है है ना तीन साइड और तीन इस साइड है यानी छठ तो ऊपर हो गया छठ हो कहाँ हो गया ऊपर और छठ हो नीचे छ छह यानी ये ससुरे टूटेंगे ना तो कभी निकलने वाले नहीं है बाकी टूटते रहते हैं सर निकलते रहते हैं सर ये बीस ऐसे दांत हैं जो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं और बाकी ये जो

इंगेजमेंट करके छोड़ दिया ऐसे यो नहीं बोलता है सब ये वाकअ करेंगे <laughs> हम अपने से ना बोलेंगे। <laughs> उस से <laughs> ना बोलेंगे उसपे से लॉकडाउन चलाया हमारा लगता है दो तीन साल में ना होगा तो कबो ना होगा चलिए ध्यान देते अभी इधर इधर अब समझिए तो समझिए यहाँ कहेगा मोनो मोनो मतलब एक बार मोनो फियो डोंट स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बाबू थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभी मोनोफियोडोंट मतलब जो एक ही बार निकलते हैं वो कितने दांत होते हैं बारह कौन होते हैं मोलर और एक होता है डाइफियोडोन डाइफियोडोंट डाइफियोडोंट मतलब दो बार निकलते हैं तो कितने दांत होते हैं जो दो बार निकलते हैं बीस दांत होते हैं ऐसे जो दो बार निकल जाते हैं इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत कौन से दांत दूध के दांत तो दूध के दांत जो होते हैं टूटते हैं फिर निकल जाते हैं यानी ये बीस अभी टोटल दांत देखिए कितने हो गए बत्तीस हो गए कितने हो गए बत्तीस हो गए लेकिन क्वेश्चन पूछा था तो फंस गया था लड़के कर मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं जीवन काल में तो देखो बबुआ बारह तो मोनोफियोडोंट है एक ही बार निकलेंगे लेकिन बीस जो दांत हैं ये निकलते जरूर हैं लेकिन ये टूट जाते हैं और फिर ये बीस निकलते हैं तो जीवन काल में देखिए बीस बीस चालीस ये ससुरे दो बार निकल जाते हैं ये जो अगर नहीं समझा ये तो एक ही बार निकलेगा और ये आगे वाला एक बार निकलेंगे सर फिर टूट टाट के चले जाते हैं सर बचपन में आप लोग कभी जो दूध के दांत टूटते होंगे ना तो आप लोग उसको ज़मीन में दफनाते होंगे कि इस ये इससे पेड़ निकलेगा हम तो आज भी अपना दांत रखे हुए हैं मम्मी रखी हुई एक तो टूट गया था तो उसको तो बचपन में ना बड़ा शौक होता था दांत सजो के रखने का और अगर टूट गया ना तो एक हफ्ता आदमी ना उसको हिलाते रहता था हिलाटेटा आट ट अरे हिला हिलाई चेक करता था और टूट जाता था ना तब वहाँ से पानी पीक डेढ़ साइड में पानी फेंकता था जब ऐसे ऐसे और वहाँ पे ना अजीब लगता था कुछ दिन तक ढक्कन की तरह खुला रहता था दांत को तो ये जो बीस होते हैं दूध के दांत, वो तो होते ही हैं बीस फिर ये टूट के फिर इसके जगह बीस निकलते हैं तो पूरे जीवन काल में आदमी के कितने दांत निकलेंगे जीवन काल में बावन दांत निकलते हैं पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या बावन मोनोफियोडांट मतलब एक ही बाल में निकलने वाले दांत जो होते हैं ये मोलर होते हैं बारह ये दोबारा नहीं निकलते हैं बाकी दूध के दांत ये टूटने लगते हैं हां ये क्वेश्चन पूछ देता है कि दूध के दांत कब तक कब टूटने लगते हैं किस एज में टूटने लगते हैं तो एज पूछेगा तो अप्रॉक्स ये बारह साल होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं बारह से चौदह साल तक में ये टूटना टूट जाते हैं टोटल बारह से चौदह साल में ये किसी किसी में डिफर करता है ठीक है तो ये एक एवरेज देगा तो आपको भी एग्जाम में घबराइएगा नहीं वो अगर देगा ना मान लीजिए दे दिया चौदह साल तो एक रहेगा इक्कीस साल एक रहेगा 6 साल एक रहेगा अट्ठाईस साल तो आपको काफी लंबा डिफरेंस आएगा जो एवरेज होता है तो ये बारह से चौदह साल के अंदर में ये टूटने लगते हैं दूध के दांत जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो परमानेंट निकलते हैं समझ आ गया आप लोग को तो अगर आपसे कहें कि इसमें परमानेंट दांत कौन है तो ये जो बारह दांत है विजडम तीत यानी ये वाला आपका मोलर ये परमानेंट है और ये तो दूध का दांत टूटा है इसके जगह पे जो दूसरा टूट के निकला है ये वाले क्या है सब परमानेंट है सा. अब बीच में ये टूट के चला जाएगा जीवन काल में आदमी के बावन दांत निकलते हैं दूध के दांत की संख्या बीस होती है मोनोफियोडोंट मतलब जो एक बार मोनो मतलब क्या होता है एक बार डाई मतलब दो बार ये दो बार निकलने वाले की संख्या बीस हो गया दांत खत्म दांत से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है जो डाइजेशन स्टार्ट स्टार्ट कहाँ से होता है दांत से होता है अभी तो हम लोग डाइजेशन चैप्टर डाले थे घुस गए हम लोग दांत में समझ में आ गया कि नहीं आएगा बताइए तो क्वेश्चन फटाफट नाक के नीचे जो तीत पाया जाता उसे तीथ है उसे नोज तीत कहते हैं नाक के नीचे कौन सा तीत होता है फटाफट फटा आंसर दीजिए आगे बढ़े सर गुटका खाने वाले हो गुटका बाइकेंड वालों का थोड़ा कमेंट निकालिए तो क्या कह रहा है सर इंसीजर वेरी गुड वेरी गुड इंसीजर बताइए तो मांसाहारी जानवरों में कौन सा होता है मांसाहारी जानवरों में मांसाहारी जानवरों में वेरी गुड मांसाहारी जानो में केनाइन दांत हाथी का बाहरी दांत कौन होता है हाथी का बाहरी दांत हाथी का बाहरी दांत हाथी का बाहरी दांत वेरी गुड वेरी गुड हाथी का बाहरी दांत इंसीजर होता है केनाइन नहीं इंसीजर वेरी गुड इंसीजर 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 वेरी गुड बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है प्री मोलर हाँ बस पी लिख देंगे तो जाएंगे प्री मोलर प्री मोलर प्री मोलर और कौन सा थर्ड मोलर तो थर्ड मोलर तो आप लोग में भी नहीं है थर्ड मोलर किस में रहता है बहुत लोग के जिंदगी में निकलता है महिलाओं का तो पता नहीं निकल में नहीं करता है शायद वो कहा जाता है जब अकल आती है तभी निकलता है <laughs> <laughs> महिला घुसी आ जाती है सब आगे समझे आगे बढ़े बहुत, बहुत बहुत अब दांत के डॉक्टर हो गए आप लोग फ्लोरिन की वजह से दांतों में क्या होता है प्रॉब्लम आने लगती है फ्लोरिन ऑप्शन नंबर बी पे लिखा रहता है फ्लोरिन हाथी का दांत हो गया ये सब कितने दा, जीवन काल में तो टोटल कितने दांत निकलेंगे जीवन काल में बावन दांत निकलते हैं दूध के दांत की संख्या अब पाचन चलते हैं आगे डाइजेशन पढ़ाते हैं ना तो बहुत हो गया आप लोग का महिलाएं से तो दत्वा से धागा काट देती है ऐसे घुसा के ऐसे काट देंगे पता नहीं कोने से काटती है सर प्री मोला से कि थर्ड मोलर से, से समझे में नहीं आता कि केनाइन से काटेंगे काट देती है सिलाई उलाई करते समय पहले की महिलाएं जो थी सब हम लोग जब जवान थे तो उस समय की हम लोग के समय की जितनी लड़कियां थी सब ना बहुत टैलेंटेड होती थी सर सिलाई जानती थी सर कढ़ाई जानती थी सर पेंटिंग का कोर्स जानती थी सर अच्छा अच्छा खाना बना लेती थी सर आजकल की महिलाएँ सब कुछ नहीं जानती सर खाली कौन सी ब्यूटिशियन कोर्स हाँ ब्यूटिशियन कोर्स हमारे टेक्नीशियन का शादी हो गया थी ये कह रहा कि नहीं सर ब्यूटिशियन के अलावा भी एक चीज जानती है सर मुंह बनाना बोल दो तो मुँह यहाँ पे <laughs> बेचारा ये शादी सुधा है अलगे परेशान रहता है <laughs> आगे देखिए डाइजेशन की बात करते हैं डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है मुंह में अब जो भाई साहब बोले थे लार ग्रंथि अब समझो लार ग्रंथि क्या होती है सब लार ग्रंथि स्लाइबरी ग्लैंड लार ग्रंथि को क्या कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड की संख्या होती है तीन लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है तीन होती है स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें उनकी टोटल संख्या कहेगा तो कितनी हो जाएंगी कि बाबू तीन होती हैं सब चलिए देखिए समझिए इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में लार का निर्माण करना यानी स्लाइवा का निर्माण करना तो यहां बाबू समझो यहां देखिए यहां दांत ने फिजिकल क्रिया को कर दिया थूर थार दिया दांत क्या किया थूर थार दिया अब उसको केमिकल मिलाएगा उसमें कौन सा तो लार ग्रंथी लार ग्रंथी को क्या कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड लार को क्या कहते हैं स्लाइव या स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बहू तो देखो एक साइड में तीन ठो एक साइड में तीन ठो तो उस साइड में भी तीन ठो तो छे ग्लैंड होते हैं लार ग्रंथी में कितने ग्लैंड होते हैं छे ग्लैंड जिसमें से सबसे बड़ा ये वाला होता है यहां दिख रहा है ना ये वाला ये इसे हम लोग कहते हैं पेरोटीड क्या कहते हैं पेरो पेरोटीड लार ग्रंथ थी आपके मेटेरियल में लिखा हुआ है देखिए लार ग्रंथ तीन होते हैं तो एक ही साइड का याद करते हैं दूसरे साइड का क्या है? बस दूसरे से गुड़ा कर दीजिएगा यहाँ पर यहाँ पर एक होता है सब मैंडिबुलर एक होता है सब लिंगुअल तो एक हो गया सब लिंगुअल एक सब मैंडिबुलर एक होता है पैरोटीड तो लार ग्रंथी में सबसे बड़ी लार ग्रंथी होती है पैरोटीड लार ग्रंथी इससे दो क्वेश्चन आता है मम्स नाम की एक बीमारी में यह पैरोटीड लार ग्रंथी फूल जाती है और सांप में यही पैरोटीड ग्रंथी जो होती है ये जहर का काम करती है तो सांप में ये विष का काम कौन करता है पेरोटीड तो सबसे

क्या खुल गया फूल खुल गया मम्स बीमारी है ये देखिए गाल एक और का क्या हो जाता है सूज जाता है तो इसी को क्या कहते हैं मम्स नामक बीमारी यहाँ एक तो गाल सूहा होता है गाल सूज गया यहाँ देखिए इसका सूजा तो इस तरह का एक पट्टी लगा देता है आदमी मम्स नाम की बीमारी में गलसूहा जब हो जाता है तो नॉर्मल बीमारी है एक हफ्ता में सही हो जाता है गाल क्या हो गया सूज गया ये भाई साहब का देखिए गया इसी को कहते हैं गल सूहा। तो इसमें एक व्हाइट कलर की पट्टी चिपका देते हैं जो इसको थोड़ा सा गर्मी प्रदान करता है हो जाते हैं तो गल सूहा में कौन, सी, कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है गलसूहा में प्रभावित होने वाला ग्लैंड पैरोटीड ग्रंथी सांप में जहर का निर्माण कौन करता है पैरोटिड ग्रंथी जो सपेरा सांप लेके आता है ना वो उस सांप का ऐसे ना निकाल के ऊपर में ही होता है ये पैरोटिड ग्रंथि उसका काट के निकाल देता है तो सांप उस जो सपेरा सांप लेके घूमता है उसमें जहर नहीं पाया जाता है हम लोग की लार ग्रंथि तीन पैरोटिड, सब लेंगुअल सब होती हैं लार ग्रंथि से क्या निकलता है तो लार निकलता है स्लाइवा जिसे कहते हैं ये लार जो होता है एक दिन के अंदर डेढ़ लीटर निकलता है कितने लीटर निकलता है डेढ़ लीटर निकलता है यानी पानी वाला बोतल में लेकर डेली लार ऐसे चाहिएगा ना तो डेढ़ लीटर निकलेगा ये लार जो होता है ना पाचन में बहुत मदद करता है इसलिए छोटा बच्चा का पेट उतना शक्तिशाली नहीं होता है कि पाचन कर सके ज़्यादा खिला देंगे ना सोचो छेर पोंख देता है पूरा एकदम किचाइन करके रख देता है छोटका बचवा इसलिए भगवान को पता था कि इसका पेट मजबूत नहीं है तो छोटका बचवा में डेढ़ लीटर से ज़्यादा लार बन जाता है तो वो जो छोटका लड़का रहता है लार चुआते रहता है छोटका ऐसे ऐसे क्यों क्योंकि उसको भगवान जानबूझ के इतना ना लार बना देता है कि कुछ खाए तो पच जाए समझा गया तो देहात में तो उसको नहीं बांध दिया जाता है रुमाल टाइप का बांध दिया जाता है है उसमें रहता ऐसे करते आप लोग भी चुहाते होंगे लीटर गया ये बहुत जरूरी है लार एक लीटर होता है डेढ़ लीटर यहाँ पर लार ग्रंथि अब भाई साहब क्वेश्चन पूछे थे कि ये लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है तो टाइलिन लार ग्रंथि में लार ग्रंथी इसमें चार तरह के एंजाइम पाए जाएंगे पहला हो गया टाइलिन दूसरा हो जाता है डाइस्टेज डाइस्टेज तीसरा हो जाता है लाइसोजाइम या आंसू में भी पाया जाता है लाइसोजाइम लाइसोजाइम चौथा अच्छा होता है म्यूलिन म्यूलिन चलो समझो अब ध्यान से ये दोनों जो होते हैं सर ना टाइलिन और ये डाइस्टेज ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इनका काम क्या होता है तो ये स्टार्च स्टार्च को पचा देते हैं स्टार्च स्टार्च को हिंदी में हम लोग कहते हैं मंड अ देहात के भाषा में इसे कहा जाता है चोकर क्या कहा जाता है चोकर तो सबसे अच्छा अपना देहाती भाषा मंड लिख दिए हैं मंड होता है ओहो मंड हिंदी हम गलत लिख देते हैं आप देखते रहिएगा समझ जाइएगा यहाँ पर तो ये जो नो टाइल सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है टाइलिन आपके किताब वगैरह में यही लिख देता है टाइलिन टाइलिन के अलावा भी डाइस्टेज पाए जाते हैं इन दोनों का काम होता है स्टार्च या मंड का पाचन करना मंड क्या होता है चोकर अब आप बताना अनाज का चोकर कहाँ से होता है यानी अनाज का छिलका से ही तो चोकर निकलता है गेहूं का छिलका गेहूं का चोकर बाजरा का छिलका बाजरा का चोकर किसी भी जो तेल पिरवाने के लिए जो आप मस्टर्ड यानी सरसों पिसवाते हैं उससे भी खरी निकल जाता है वो भी क्या है चोकर है तो ये चोकर पचाने में मदद करता है तो आप कहेंगे सर हम लोग तो चोकर कही भी नहीं करते हैं भाई आप जो आटा खाते हैं ना आटा में भी चोकर होता है और चोकर रहना जरूरी है तभी हमारे में पचेगा वो खाना नहीं तो आटा में से हंड्रेड चोकर निकाल देंगे तो वो मैदा हो जाता है आप पाँच गो रोटी यानी मैदा का खा लीजिए फिर समझ में आएगा नहीं पचा पाएंगे और वही पाँच रोटी तो आप नॉर्मली

कीटाणु ठीक लिखा है जी जर्म्स जर्म्स को गर्ल्स नहीं ना लिख दिए हैं अरे दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है चलो ध्यान ध्यान से देखो विद्यार्थी के लिए तो दोनों खतरनाक है तो कीटाणु जो होते हैं सब ये कीटाणु हमारे शरीर में मान लीजिए कोई कोई मजदूर है खाना खा रहा है कोई खैं नहीं बनाता है ना देखिएगा खै नहीं बनाने वाला यही हाथ से ऐसे ऐसा खोई खोया और उसको दीजिएगा लीजिए ना प्रसादी मंदिर गए थे तो वही यात्रा से वो प्रसादियों का जाएगा मंदिर का तो भगवान को पता था कि हिंदुस्तान में फूहर लोगों की कमी नहीं है बचपन में हम लोग भी ना नाक को निकलते रहता तो ऐसे पोछ लेते थे ले हाथ में यहाँ लंबा लाइन बन जाता था छोटका बच्चा सब में तो अगर आप गंदगी खा लेंगे तो मारेगा कौन तो कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है लाइसोजाइम करता है इसीलिए छोटे बच्चों में लार बहुत निकलता है कि लार के बहाने लाइसोजाइम निकलेगा उसको तो आप कहेंगे कि लेभराया हुआ है अरे भाई साहब उसके लिए वो उस सैनिटाइजर है वो लेबराया नहीं है भगवान आपसे ज़्यादा होशियार था उसको नेचुरल सेनेटाइजर दिया है तो आपका सोच आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे बढ़े आगे बढ़े अरे ये साह, साह वाला है करेगी सर हमको ब्लॉक मत कीजिएगा तो तू नोटंकी कर रहा था वो बैचवा में बैठ के तो क्या करेगा आदमी चलिए ध्यान से देखते हैं लो। अब म्यूलिन समझते हैं, लाइसोजाइम समझ में आ गया ना अब आप आप सोचिएगा कि हम लोग भी सैनिटाइजर की जगह थूक लेते हैं हाथों तो पे सैनिटाइज करना है और खान सर बताइए कि सैनिटाइजर में लाइसोजाइम थूक लें में, थूक लेंगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू आप विश्वास नहीं कीजिएगा लार में सच में कीटनाशक होते हैं तो बचपन में हाथ कट जाता था तुरंत मुंह में डाल देते थे तनी सा खून कट गया मुंह में डाल देते हैं गाय भैंस को घाव हो जाता है चाट के सही कर देती है छोटे बच्चे जो गाय भैंस शेर जब बच्चे को जन्म देते हैं तो अपने बचवा को चाटते रहते हैं सब वो बेचारे साइंस नहीं पढ़ा है सब लेकिन उनको पता है कि हमारे थूक में क्या है लाइसों जाएँ में हमारे छोटे बच्चे को बहुत मदद करेगा गाय को देखिएगा ना बच्चा देगी ना तो एक हफ्ता तक खूब चाटती है ताकि अपने बचवा को बचाना चाहती है आप देखिए कुत्ते को कुत्ता एक कुत्ता दूसरे को काट देगा ना तो चाट के वहां से सही कर लेगा कुत्ता कभी नहीं सड़ते लेकिन कुतवा दूसर को कुतवा को पता अच्छा है तो चाट के खत्म करेगा तो खोपड़िए काट लेता ले अब चाट तुम अब खोपड़िया चाटिए नहीं पाता तो खोपड़िया सड़ जाता है तो ऐसे करके कुतवा घूमते रहता है अब भीड़ भाड़ का एरिया में झाड़ देता है इसे पूरा की, कीड़ा झाड़ देता है तो ये हो गया लाई सो जाए अब हो गया म्यूलिन म्यूलिन क्या कहता है किसी भी चीज को चिपचिपा बना देता है चिप चिपा ठीक लिखाया है चीप चिपचिपा बना देता है किसी चीज को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है म्यूलिन करता है अब आप, आप कोई खाना खाते हैं तो इसलिए आप अच्छा से थूक को लभेर के खाइए अच्छा से क्या कि चोकर ओकर पच जाए कीटाणु वगैरह मर जाए और उसको लभेरिएगा तो खाना चिपचिपा हो जाएगा इसलिए आप रोटी खाइएगा और रोटी को मलने के बाद और ऐसे करके हाथवा में देखिएगा इसे लभेर के खूब अच्छा चिपचिपा हो जाता है लिबिर लिबिर हो जाएगा तो खाना को लिबिर लिबिर कौन कर देता है म्यूलिन लिबिर लिविर समझते हैं ना सी बी एस ई बोर्ड वाला समझ में नहीं कर रहे थे वॉट इज लिबिर लिबिर आ गया इज अ फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट आ गया लुब्रिकेंट की एक कैटेगरी होती है किसके वजह से होती है म्यूलिन के वजह से अब आप जल्दी जल्दी खाना खाइएगा खटाखट खटा, खटाखट खटाखट तो वही म्यूलिन अच्छा से मिल ही नहीं पाएगा तो वही खाना अटक जाता तो कहेगा हमको कोई याद कर रहा था अरे इतना फुर्सत है इक्कीसवीं सदी में कोई किसी को याद करने के लिए पे तोरा याद करेगा उससे अच्छा है वो नया ना खोज लेगा <laughs> याद कर रहा था हमको आधा दुनिया तो इसी में बर्बाद है याद कर रहा था समझा गया कि नहीं क्या आप लोग को भी बोलते हैं जिसको जिसको सच्चा प्यार हो गया ना आप कहीं लिख के रख लो खान सर ने बोला था कि हमारी नौकरी नहीं होगी समझ में आ गया या तो करो मत या तो सच्चा प्यार मत करो फालतू चीज होती है बाबू ये सब चीजें एकदम स्टूडेंट को तो बर्बाद करेंगे सब तो म्यूलिन जो होता है ना म्यूलिन ये कभी खाने को क्या कर देता है चिपचिपा बना देता है अब देखो भैया यहाँ ध्यान से देखो जो बाबू पूछ रहे थे कि सर लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है अब बताओ कोई प्रॉब्लम है आप बस ये पढ़े होंगे टाइलिन सबसे ज़्यादा रियल में टाइलिन पाई जाती है आप पढ़ें तो गलत नहीं पढ़े लेकिन ये सब भी चीज़ें पता उन्हें खाना को चिपचिपा आप फोचका खाते हैं ना गुपचुप पानी पूरी तो उस ससुर एक के बाद एक रख देता है और लड़की बहुत होशियार होती है सर लड़की के मुस्कुराने पे मत जाइएगा मुस्कुरा के ना उसका गुपचुप वाले का गिनती भुला देती है सर आठ गो खिलाया रहेगा इसे मुस्कुरा देंगे कह ले सर कौन गो को खिलाए तीन गो कह तीन तो हुआ अभी अच्छा लोग खा लो अरे भाई ये सब मुस्कुराहट पर मत जाइएगा इन सब के इन सब का चाल होता है हमारे यहाँ एक बेचारा आइसक्रीम की दुकान खोला था और गर्ल्स कॉलेज के सामने उसको लगा कि लड़कियाँ आइसक्रीम बहुत खाती हैं बेचारे के एक महीना बाद दुकान बंद हो गया हम पूछे काहे बंद हो गया कहा कि सर मेरी गलती से क्या किया कहा कि सर दस रुपया का आइसक्रीम रहता था लड़कियां तीन रुपया देती थी सर कहती थी सर मुस्कुरा के सात रुपया कल ले लीजिएगा अब अब हम कह देते थे ठीक है सर, कल कल के चक्कर में मेरा बहुत घाटा लग गया इस चक्कर में मत रहिएगा तो फोजका वाला धड़ाधड़ खिलाता है आप खाते रहता है। खाते रहते अब वो धड़ाधड़ खिलाते रहता है अब म्यूलिन मिलेगा नहीं तो अटक जाएगा तो अटक जाएगा तो चिल्लाएगा हट जाएंगे बस करो भाई अब ना खाएंगे <laughs> मेरे भाई आराम से क्या क्या करो मिली समझ में आ गया अब खाना को ढकेलते हैं पेट के अंदर यहाँ तक में किसी को दिक्कत मुंह में जो थूर कांच हुआ है यानी फिजिकल काम दांत कर दिया है केमिकल काम लार कर दिया है अब खाना को ले जाते हैं अंदर यहीं पर बहुत बड़ा पाचन का काम हो जाता है अब अंदर ले जाते हैं यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आगे देखते हैं सुमित कुमार जी वीडियो क्वालिटी कम कर दे कम कर दीजिएगा 240 कर दीजिएगा कल से ठीक है आगे बढ़े चलिए यहां तक में समझ में आ गया ना आप लोगों संडे को क्लास होगा सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होता है स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं बेवकूफ़ हो गया जो है बस वही समझे स्क्रीन शॉट देंगे तो स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगा स्क्रीन शॉट का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं लिखिए अगर आपको इतना लिखना है तो फटाफट लिख लिया कीजिए वीडियो को प्ले रोक दिया कीजिए डाउनलोड स्क्रीन शॉट कुछ नहीं मिलेगा डाउनलोड करने का मतलब क्या ऐप में रहेगा तो फिर फायदा क्या वैसे भी तो ऐप आप में आपके रहता ही है हम यहाँ क्लास हटेंगे तो ये तो आपके ऐप आप में चला जाएगा वॉल्यूम या प्रीवियस क्लास में तो उसको डाउनलोड करके करेंगे क्या चार सौ अस्सी संडे को कोई सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगा फिजिक्स का क्लास फिजिक्स का पीडीएफ भी आज डाल देंगे बहू एक दो घंटा में आज पहले फर्स्ट क्लास में पीडीएफ की क्या जरूरत पड़ेगी फर्स्ट क्लास तो इसे समझाएंगे ही आपको आगे बढ़ते हैं मिल के तीर्थ पूज रहे हैं बाबू आगे देखिए 360 ठीक है चलिए कोई बात नहीं बर्ड का तीथ देखिए बर्ड में तीथ जो होता है चोंच बन जाता है बर्ड का तीथ चोंच बन जाता है ये आपको जब हम मैमल्स पढ़ाएंगे ना जब फाइलम पढ़ाएंगे तो वहाँ बर्ड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है कि बर्ड्स का जो पैर अगला हाथ होता है वो पंख बन जाता है बर्ड की दांत जो होते हैं ठोण बन जाते हैं बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती हैं बर्ड्स में महिलाओं में दो दो ओवरी होता है लेकिन बर्ड्स में केवल एक ओवरी होता है बर्ड्स जो होती हैं उनके पंख का काम उड़ना नहीं है पंख का काम है उनके शरीर के तापमान को बना के रखना जैसे मुर्गी उर्गी के हाथ डालिएगा तो गर्म लगेगा इसी से वो अंडा से के बच्चा निकाल देती हैं पंख उनका भीगता नहीं है क्योंकि उस पर वैक्स यानी मोम लगा होता है बहुत पढ़ना है बबुआ आगे पढ़ना है आगे समझिए बिहार स्पेशल क्लास अरे लास्ट में चल रहा है चलो सा हो गया अब इसके बाद देखते हैं हम लोग खाना कहां जाता है पेट में पहुंचा देते हैं खाना को इसके बाद खाना कहाँ जाएगा पेट में तो पेट में जो खाना जाता है वो जाता है आपका ऑयसोफेगस द्वारा पेट में जो खाना ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑयसोफेगस पूरा चला गया नीचे आओ देखिए बाबू ये जो चीज देख रहे हैं आप इसे हम लोग कहते हैं ऑयसोफेगस इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑयसोफेगस ग्रास नली ये फूड पाइप नहीं है ये जो है ना ऑसोफेगस है फूड पाइप पूरा हो जाएगा फूड पाइप आगे बताएंगे फूड पाइप में क्या होता है सब यहाँ समझिए पहले ये खाना को ढकेल के यहाँ से देखिए यहाँ पे दो काम होता है एक दांत जो होता है फिजिकल काम कर दिया और जो स्लाइवा था लार ग्रंथि थे उसने क्या किया केमिकल काम कर दिया अब इसके बाद ये जो ऑसोफेगस है ऑयसोफेगस यहाँ लिखा हुआ है ना ऑयसोफेगस ऐसो फैगस।, फैगस को हम हिंदी में कहते हैं ग्रास नली ग्रास नली ग्रसनी मत बोल दीजिएगा ग्रास नली में खाना जाता है और एक होता है ग्रसनी ग्रसनी इसमें हवा जाता है तो ये ग्रसनी नहीं है ये ग्रास नली है विंड पाइप नहीं है इसमें खाना जाता है इसमें एक क्वेश्चन आपका बस पूछता है ये क्या ग्रास नली में पाचन की क्रिया होती है नहीं होती है इसमें कोई पाचन नहीं होता भाई पचाने वाला इसमें कोई है ही नहीं है पचेगा कैसे या आपको वहाँ कोई ना कोई ग्लैंड चाहिए ना जैसे यहाँ पर आपका स्लेवरी ग्लैंड था लार ग्रंथी थी यहाँ तो कोई ग्रंथ नहीं होती इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है इसमें केवल खाना को दबा दबा के अंदर भेजा जाता है जिसे हम लोग क्रमानुकूचन कहते हैं इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है नो डाइजेशन इन ऑसोफेगस यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है अब ये कहेगा कितना लंबा होता है है, तो अमूमन ये पंद्रह सेंटीमीटर होता है लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा सेंटीमीटर ये व्यक्ति के लंबाई पर डिपेंड करता है जैसे हमारी लंबाई इतनी है तो मेरा लगभग सेंटीमीटर होगा यहां से पेट तक पहुंचाना है अब कोई छोटा बच्चा है तो उसमें कैसे लंबाई निकलेगी अब कोई मेरे ही एज का आदमी है लेकिन नाटूर है नाटुर मतलब समझते हैं गया गया है हो गया है हो तो नाटूर है तो उसमें पंद्रह सेंटीमीटर तो होगा नहीं तो एन ऑन एन एवरेज जो होता है ये सेंटीमीटर होता है यानी एक स्केल के बराबर हो जाता है समझा तो ये पंद्रह सेंटीमीटर का हो गया उसके बाद खाना कहाँ चला जाता है पेट में खाना चला गया कहां पर पेट में यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है दांत लार और ऑइसोफेगस। अब खाना गया हमारा पेट में कह रहे हैं बाबू मेरा जूम नहीं होता आप मोबाइल फेंक दीजिए खराब है मोबाइल आपका देखो बाबू इनका मोबाइल वो जूम नहीं होता है यहाँ जूम बटन दे हो गया जूम अब कौन है जूम होगा आपका मोबाइल है नौटंकी वाला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पूरा दुनिया का जूम हो जा रहा है इनका जूमे नहीं हो रहा है आगे पेट वाला चीज को पढ़ लेते हैं कितना टाइम हो गया आज बहुत ज़्यादा गला बजा हुआ है और तो आज मैं, आज हम इतना ही पढ़ाते हैं पेट वाला कल पढ़ा देंगे समझ में आ गया गला आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ज़्यादा एक बैच में चिल्ला देंगे वे कल पूरा बच जाएगा आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं कल हम आपको पढ़ा देंगे कि पेट मतलब कल डाइजेशन सिस्टम को खत्म कर देंगे यानी पेट वाला भर चीज़ को निकाल देंगे यहाँ तक एक अलग ही सिक्वेंस था और इसके बाद अलग ही सिक्वेंस आ जाएगा तो कल हम आपको पेट का टॉपिक पढ़ा देंगे कल सैटरडे संडे तो नहीं है कल फ्राइडे है ना तो कल तो क्लास चलेगी कल डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे और आज पॉलिटी, खे 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 खे? पॉलिटी का क्लास कितने बजे से है पॉलिटी नहीं फिजिक्स का क्लास फिजिक्स का क्लास आज होगा बाबू आप लोग का आज फिजिक्स का कभी क्लास हो जाएगा आपका बायोलॉजी इधर चलते रहेगा साथ में साथ फिजिक्स भी हो जाएगा फिजिक्स का क्लास आज हम रखते हैं आपका साढ़े चार बजे आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज कम ही पढ़ाएंगे आप उसके बाद से फिर उसको अपने हिसाब से देखेंगे पहले आज तो इंट्रोड्यूशन के साढ़े चार की चार है अब हम इसमें एक बार देखना पड़ेगा